भाई जी, अब कंटिन्यू करते हैं अपने डिस्कशन अबाउट बजटिंग. यू मस्ट हैव स्टडीड बजटिंग इन वेरियस सब्जेक्ट्स थ्रू आउट योर कोर्स. बजटिंग इज एन इंटरेस्टिंग टूल विच हेल्प्स अस आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज दैट वी आर गोइंग टू गिव फॉर द अचीवमेंट ऑफ अ सर्टेन ऑब्जेक्टिव. व्हेनेवर, प्लीज रिमेंबर, बजट्स आर नॉट फोरकास्ट. Forecasts are the expected results that we are going to get. But budgets are the funds allocated for a certain purpose in order to achieve a certain forecast. For example, हमने forecast किया कि जी हमारी sales, let's say हम cars पर फिर चलते हैं और हमने कहा कि जी हमारी estimated sales जो होगी इस साल की वो हम will be able to sell some 100,000 cars. अब 100,000 गाड़ी का जो हमारा sort of forecasted target है उसको अचीव करने के लिए यू विल बी नीडिंग रॉ मटेरियल्स, यू विल बी नीडिंग मशीन्स, यू विल बी नीडिंग मेंटेनेंस, यू विल बी नीडिंग पीपल, यू विल बी नीडिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड सो ऑन सो फोर्थ, एंड यू विल बी नीडिंग सम एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मार्केटिंग ओवरहेड्स टू. सो फॉर ऑल ऑफ दैट यू विल आइडेंटिफाई सर्टेन बजट्स. ओके, सेल्स पे वी विल स्पेंड दिस मच, हमारी जो एडवर्टाइजिंग होगी उस पे दिस मच, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स उसका ये एलोकेशन है, एंड सो ऑन सो फोर्थ. इतने का हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे, इतनी हम लेबर पे करेंगे, एंड एट द एंड ऑफ द डे दिस विल बी द रेवेन्यू, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू, एंड ये हमारा उससे फाइनल प्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगा. सो जब आप पूरा बजट बना लेते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे यू गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट विल बी द अल्टीमेट यू नो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट दैट यू विल गेट एट द एंड ऑफ द ईयर. नाउ बजट अगर हम ना बनाएं तो क्या होगा? बजट ना बनाएं तो ये होगा कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें एक्चुअली क्या अचीव करना था और हमने उसको क्या हमने सही पैरामीटर्स के साथ अचीव किया या नहीं किया. प्लीज रिमेंबर, देर आर अ लार्ज नंबर ऑफ रीजंस फॉर विच यू हैव टू मेक बजट्स. फॉर एग्जांपल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है दैट विदाउट अ बजट यू कैन नॉट रियली मेक गुड प्लान्स. जब आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको आपके सामने रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी और फंड्स की अवेलेबिलिटी आपको आइडेंटिफाई करनी होगी, एंड दैट इज द प्राइमरी रीजन व्हाई वी डू द बजटिंग पार्ट. सेकंड इज, अगर बजट नहीं होगा तो आप कॉस्ट को कंट्रोल कैसे करेंगे? अगर हमने बता रखा है दैट ओके द लेबर कॉस्ट शुड बी इन दिस पर्टिकुलर रेंज, अगर एट द एंड ऑफ द डे वो रेंज क्रॉस होती है तो हम उसको कैच कर सकते हैं, हम मैनेजर से पूछ सकते हैं दैट हाउ कम दिस कॉस्ट हैज क्रॉस दैट पर्टिकुलर लिमिट. हाउएवर, अगर बजट हो ही नहीं तो वो 100 रुपए खर्च करें या 100,000, आप उसको कोई लिमिट तो आपने दी नहीं थी. सो विदाउट हैविंग अ टारगेट इन फ्रंट आप किसी भी तरह से लोगों को कंट्रोल या उनकी कॉस्ट को या ऑपरेशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते. सिमिलरली, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स ऑपरेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग विद ईच अदर, तो बजट्स एक इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेटिंग एलिमेंट भी बन जाते हैं, क्योंकि बजटरी प्लानिंग इस तरह से की जाती है दैट इफ देर आर अ नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स यू नो वर्किंग विद ईच अदर, तो उनके बजट्स एक दूसरे के साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर सेल्स ने कहा कि हम 100,000 गाड़ियां बेचेंगे तो फिर 100,000 गाड़ी के रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री भी आएगी, फिर 100,000 गाड़ी का प्रोडक्शन का बजट भी होगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ. सो ये नहीं हो सकेगा कि कोई एक डिपार्टमेंट ये कहे कि नहीं जी हमारा जो बजट है वो ज्यादा था और दूसरों का कम था. सो इट बिकम्स अ सोर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स टू. बजट्स आर आल्सो एन इंटरेस्टिंग टूल फॉर कम्युनिकेशन बिकॉज दिस हेल्प्स यू इन कम्युनिकेटिंग द टारगेट्स टू द मैनेजर्स. एग्जैक्टली, सबको पता है कि ये मेरी लिमिटेशन है, इसके अंदर रहते हुए मुझे काम करना है, एंड इफ आई क्रॉस दैट ऑब्वियसली माई परफॉर्मेंस एंड माई डिपार्टमेंट्स परफॉर्मेंस विल बी badly affected. Similarly, we have another reason, and that is motivation. You see, my dear friends, human beings perform better when they have targets in front of them. आप उनको बगैर टारगेट के छोड़ दें, वो शुत्र बेमुहार हो जाएंगे, यानी वो अनकंट्रोलेबल हो जाएंगे. So when you give them targets, it becomes a source of motivation for them as well. As a marketing person, when you have a target in front of you, तो आप फिर You go full throttle. आप पूरा जोर लगाते हैं कि उस टारगेट को आप अचीव करें, जैसे भी आप करना चाहते हैं, जैसे भी आप कर सकते हैं. So therefore, budgeting is important to motivate people and evaluate their performance as well. And finally, budget is a control tool in terms of authorization as well.
जब आप बजट एक एलोकेट कर देते हैं तो फिर उतने ही ऑथराइज्ड अमाउंट्स उसी हिसाब से इशू होते हैं, रिलीज होते हैं. सो इट बिकम्स अ सोर्स ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल एज वेल. देर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ बजट्स दैट यू सी, फंक्शनल बजट्स एंड मास्टर बजट्स. मास्टर बजट एक ऐसा बजट होता है जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बनता है. उसमें सारे फंक्शनल एरियाज शामिल होते हैं. स्पेशली अगर आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो उसमें प्रोडक्शन भी होगा, मार्केटिंग भी होगा, सेल्स भी होगा, ह्यूमन रिसोर्स भी होगा. सारों के बजट्स होते हैं जो एक जगह जमा होते हैं, जो मास्टर बजट कहलाता है. हाउएवर विद इन दैट यू विल हैव फंक्शनल बजट्स फॉर ईच फंक्शनल एरिया विद डिटेल्स. प्रोडक्शन का बजट है तो उसमें मटेरियल्स की कॉस्ट कितनी है, लेबर की कॉस्ट कितनी है, ओवरहेड्स की कॉस्ट कितनी है, ये सब उसके अंदर फंक्शनल बजट में जो प्रोडक्शन का फंक्शन होगा वो उसमें शामिल हो जाएगा. जब हमने मास्टर और फंक्शनल बजट्स की बात कर ली तो फिर उसमें बड़ी डिटेल्स आ जाती है. मटेरियल्स का बजट अलग बनता है, ओवरहेड्स का बजट अलग बनेगा, डायरेक्ट लेबर का बजट अलग बनेगा, यू नो एडमिनिस्ट्रेटिव का अलग बन जाएगा, एंड इसी तरह से आप फाइनली बजटेड इनकम स्टेटमेंट्स वगैरह भी आप डेवलप कर लेते हैं. नाउ वंस दे दीज डॉक्यूमेंट्स आर देयर तो फिर पूरा साल आप उसको फॉलो करते रहते हैं और एट दी एंड फिर देख लेते हैं कि इसमें कहीं वेरियंस तो नहीं है, और अगर वेरियंस है तो किस टाइप की है और कितनी सिवियर वेरियंस है, उसको फिर मैनेज किया जा सकता है. देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट टर्म विच इज कॉल्ड द प्रिंसिपल बजट फैक्टर. ये बेसिकली ऐसा हो सकता है, जैसे मैं आपको अभी एग्जाम्पल दे रहा था दैट अ कंपनी माइट से दैट विल बी एबल टू सेल 100,000 कार्स इन अ पर्टिकुलर ईयर based on the economic conditions, based on the projection that we have, hamare brand ki you know importance, hamare brand ki value ki basis pe aapne ek sales projection bana li. Badi achhi projection hai, management badi khush hui. However, you just realized that because of maybe some raw material shortage or maybe because of the production capacity shortage, aap us saal mein 80,000 से ज्यादा व्हीकल्स नहीं बना सकते, शॉर्टेज है. नाउ योर बजट देन शुड नॉट बी बेस्ड ऑन द सेल्स प्रोजेक्शन. यानी फिर आप 100,000 के हिसाब से बजटिंग नहीं करेंगे बिकॉज यू हैव अ लिमिटिंग फैक्टर हियर. द लिमिटिंग फैक्टर इज योर प्रोडक्शन कैपेसिटीज. अगर आप 80,000 से ज्यादा बना ही नहीं सकते तो 100,000 का बजट क्यों बनाए फिर? इट्स गोना बी अनरियलिस्टिक. सो देयरफॉर अगर ऐसा कोई प्रिंसिपल बजट फैक्टर हो जो लिमिटिंग फैक्टर बन रहा हो, बिकॉज ऑफ विच यू कैन नॉट क्रॉस अ सर्टेन लेवल ऑफ प्रोडक्शन और आउटपुट, तो फिर आपका बजट उसके ऊपर बेस करने लगता है रादर देन डिपेंडिंग ऑन द सेल्स फिगर, सेल्स फोरकास्ट. एंड देन वी कॉल दिस पर्टिकुलर फैक्टर प्रिंसिपल बजट फैक्टर.